अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये जो पार्ट्स है इसे बॉडी कहते हैं, ये सिस्टम में लगाया जाता है। इसकी इस तरफ और इस तरफ वेल्डिंग की जाती है और इसका फ्लो, गैस का फ्लो इस तरफ होता है। ये देखिए तीर का निशान दिया हुआ है, तो ये इस तरफ फ्लो आएगी। दोस्तों ये मेन पार्ट्स होता है एक्सपेंशन वाल्व का, इसे ओरिफिस कहते हैं। ये देखें, ये इसका काम करने का ये देखें तरीका, इसको ये देखिए आस्ता आस्ता ये प्रेस और डाउन होता है। और ये स्प्रिंग है, इसका तरीका कार होता है कि वर्नियर कैलिपर के साथ इसको मेजरमेंट किया जाता है, उसके साथ इसकी सेटिंग की जाती है। दोस्तों ये डायाफ्राम है, ये बल्ब है, इसमें वोलेटाइल लिक्विड होता है। अब इसको जिस वक्त सिंपल किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, ये बॉडी है, ये ओरिफिस इसमें ऐसे लगाया जाता है। इसके बाद ये जो डायाफ्राम है इसको इस तरह इसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसके बल्ब को सेक्शन लाइन के करीब लगा दिया जाता है। जिस वक्त इसको चलाया जाता है तो ये ओपन, यानी इसमें गैस बहुत तेजी के साथ फ्लो करती है। जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है तो ये क्लोज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही काम करता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।